हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है आयत की क्यूट फैमिली। और आज हम करेंगे 24 आवर येल्लो चैलेंज। और उसके लिए येल्लो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा येल्लो चीज़ तो जल्दी कोई दिखती नहीं है, लेकिन हल्दी हो गया, उसी से येल्लो येल्लो करके हम येल्लो येल्लो चीज़ें खाएंगे, येल्लो येल्लो डट्टी फैलो। चलो करते हैं सुबह का ब्रेकफास्ट। गाइस ये रहा मेरा आलू के पकौड़े, आलू का पकौड़ा, वो भी आलू वाले हैं, वो ये रहे। और ये रहा, और ये है ब्लैक चाय, जिसे मैं दिखा तो नहीं सकती, जल जाएगा मेरा, जल जाएगा बीच के बीच, बस इतना ही बहुत है क्योंकि मैं इसे ज्यादा दिखा नहीं सकती, इसके लिए सॉरी। अब मैं जा रही हूँ चाय पीने और सुबह का ब्रेकफास्ट करने, जिसको करना भी आता है। वाह, सुबह का ब्रेकफास्ट करने में जो मजा है ना, वो भी पकौड़े के साथ कहीं नहीं। इसमें मेरी लाली लिपस्टिक भी लग गई। सच में बहुत टेस्टी लग रहा है, और पहली बार खाया मैंने इसको चाय के साथ। अब तो दुखाम हो रखा है। ऐसा लग रहा सब एक बार में मुंह में भर लो। वाह, बड़ा मजा आ गया। अब हम मिलते हैं आपको डिनर में। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, पता नहीं बार बार डिनर क्यों आ जाता है। कब मिलते हैं आपको लंच टाइम, ज्यादा टाइम बनो, जब तक बने रहो। ये चढ़ा दिया है मैंने कढ़ाई, कढ़ाई के अंदर डाल दिया है तेल। अब ये सोच रहे ये सब क्या है, ये बेसन का जो पकौड़ी बनी थी ना, तो उसमें से वही तेल बच गया था, तो मैंने सोचा था लाओ इसको भी, मतलब इसी में कर देती हूँ। सो सबसे पहले इसके अंदर जाएगा यो जीरा, जो जुए जैसा दिखता है काला होने के बाद। ये डाल दिया मैंने जीरा, जीरा डाल दिया, अब ये काला होगा। काला होने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे प्याज, हरी मिर्च और एक ठो दूठो टमाटो, टमाटर टमाटर। सो मैंने इसके अंदर डाल दिया है प्याज, हरी मिर्च। अब इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर। ये डाल रही हूँ मैं इसके अंदर हल्दी, ताकि इसका जो मतलब हल्दी जो है अच्छे से पक जाएगी ना, तो अच्छा सा येलो कलर लेकर आएगा ये, जब ये फ्राई हो जाएगा हल्का सा। नहीं ऑलमोस्ट हो ही गया, फ्राई करना ही क्या है, नहीं तो करिया करिया हो जाएगा। खाने खा येलो बोली, खा येलो नहीं हूँ, हो जाएगा काला काला, तो ब्लैक ब्लैक कौन खाएगा। फिर लगा देंगे टमाटर, अब ये हल्का पकेगा। ये थोड़ा सा पक रहा है, इसको तो मैं छोड़ देंगे। ये पक चुका है, इसके अंदर हम डालेंगे आलू। ये आलू जो थे उबले हुए थे, सॉरी गाइस मैंने बताया नहीं, सरप्राइज था यो। तो ये आलू उबले हुए डाल दिए मैंने इसके अंदर। अब इसको हम एक बार चला ले, क्योंकि मैं एक हाथ से फोन पकड़ के एक हाथ से ये चलाऊंगी, तो ऐसा ना उसका सियापा हो जाए। सियापा होने से पहले हम इसे चला लेते हैं। सो इसको मैंने अच्छे से है चला लिया है। इसके अंदर सिंदूर की चुटकी, स्वाद अनुसार नमक डाल दिया, और उसमें मैंने पहले से ही डाल दिया था, मैंने तो यूँ ही डबोल दिया आपको, क्योंकि दिखाना जरूर था ना चुटकी भर सिंदूर का नमक, तो उसे इसके अंदर मैंने डाल दिया है। अब इसको हम थोड़ा सा पका करके, थोड़ा सा और अच्छे से पक जाए, इसको हम निकाल लेंगे। और इसको खासकर बोला जाता है, जो कि मैंने आपको नहीं बताया, इसका नाम है दम आलू, मतलब उबाल के उसको हमने बहुत मारा था तो वो दम गया था, तो दमने के बाद मैंने इसको कर दिया दम आलू। का कलर देखो येलो येलो डर्टी फेलो, ये रहा। अब इसको पकने दो, फिर इसको उतारेंगे अपने मुंह में डालेंगे। जब तक इसको पकने दो, थोड़ा सा अंदर तक फ्लेवर पहुंच जाए, तब तक हम चलते हैं। सो ये रहा मेरा डिनर टाइम। इसमें आलू जो है येलो कलर, रोटी है वाइट कलर, रोटी तो वाइट ही होती, येलो थी ही कब।
इसकी रेसिपी जो है मैंने आपको शेयर कर दी, बनाना सूप बहुत टेस्टी होता है। सी डिनर नहीं लंच टाइम, मैं हर बार गलती कर देती हूँ, रात मुझे ज्यादा पसंद है ना, इसलिए डिनर डिनर चिल्लाना जरूरी था ना मेरा। अति सुकून, आई जस्ट लव दिस आलू। ये सच में बहुत टेस्टी है, खुद के बनाओ खुद तारीफ करो ज्यादा मजा आता है। बहुत टेस्टी लग रहा आलू मुझे, 10 किलो बनाती तो कितना मजा आता है। वाकई बहुत टेस्टी है, बहुत यम्मी लग रहा है। मैं खा लूँ, फिर मिलती हूँ आपको स्नैक टाइम पर। सो गाइस ये मेरा हो गया स्नैक टाइम, और स्नैक टाइम में मैंने करे हैं अंडे को फ्राई, वो भी तवे पे हल्दी और नमक डालने के बाद। सो इसका कलर देख रहे हो कितना प्यारा है, इसका कलर है दिखा दूं मैं, इसी इसको खा लूं। टेस्टी लग रहा है पक्का, गले में चिपक रहा है सो अलग, लेकिन बहुत सही बताऊँ बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, सोचा नहीं था मैंने। बहुत ज़्यादा टेस्टी, अगर किसी को खाना है तो कृपया ये प्रतीक्षा करें कि अंडा अगली बार ही उन्हें नसीब होगा। फिलहाल अंडे की व्यवस्था खत्म हो चुकी है, सही में बहुत टेस्टी लग रहा है। सो गाइस मैंने तो स्नैक कर लिया है, उसके बाद आपको करना है मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आज का हमारा चैलेंज जो है 24 आवर येलो चैलेंज आपको कैसा लगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जब तक मैं डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। गाइस ये रहा मेरा डिनर टाइम, सो मैंने बनाया इसको अंदर जो आलू दिन में बच गए थे ना उसी के मैंने पकौड़े कर मारे, बेसन को डाल के उसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं की क्योंकि बहुत वक्त लग रहा था, क्योंकि आलू थोड़े पिलपिले हो गए थे मतलब गीले हो गए थे। सो मैं इसको दिखाती हूँ इसको बना किस तरीके का है, इसको देख सकते हो आप किस तरीके का ये, अब मैं इसे खाऊंगी। मेरी मम्मी मुझे देख रही है, खा सकती हूँ। मम्मी तुम भी खाओ। नहीं नहीं
मेरे बाजू मुझे घूर रही है। बहुत ज्यादा टेस्टी है, पहले तो मैं खा लू। मैं खा लू तो मेरी बेटी मुझे देख रही है इस तरीके से कि पूछो मत। देखिए भाई ना, देखिए जरा सा, नहीं थोड़ा सा दूर बाबू के बना तब देखिए इसको। बिस्किट कहाँ गए? देख रहा ना, मेरी बेटी किसी से मुझे देख रही है। मैं खा लेती हूँ। मुझे जुकाम हो गया। मामा को खाने के बाद मिलती। सो गाइस, कैसा लगा मेरा आपको ये 24 आवर येलो चैलेंज? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आज का जो मैंने ये 24 आवर येलो चैलेंज किया है आपको कैसा लगा। सो गाइस, अगर आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा कुछ नहीं, कमेंट बॉक्स और थोड़ा 1000 वाला लाइक कर देना। 1000 वाला 100 है, सॉरी 100 वाला लाइक। थैंक यू सो मच गाइस।